अस्सलाम वालेकुम, ये मैं हूँ, मैं मतलब हारिस, और ये है मेरा दोस्त जो कि वर्जन है, मतलब मेरे 10 साल का वर्जन। हारिस के 10 साल वर्जन की जिंदगी क्रिकेट के इर्द गिर्द घूमती थी। मुझे खेलने और देखने का बहुत शौक था, मतलब क्रिकेट। गली मोहल्ले के बच्चे तो मुझे लिफ्ट कराते नहीं थे, तो मैंने इस खेल को देखने तक महदूद रखा। मैंने वो सब देखा, उमर गुल के जालिम यॉर्कर्स, अफरीदी और कैलिस का रोमांस, यूनुस खान का वो उठाना, मतलब वर्ल्ड कप। लेकिन मैंने वो सब भी देखा, मिस्बा का वो स्कूल। 2011 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, इंग्लैंड में शर्मिंदगी, सईद अजमल के वो आंसू। खैर, वक्त गुजरता गया, मेरा क्रिकेट का रिश्ता ऊंच नीच का शिकार रहा, मतलब मैंने क्रिकेट काफी हद तक देखना भी छोड़ दिया। करते करते मैं यूनिवर्सिटी आ गया, फ्रेशमैन ईयर की बात है। एक दिन मैंने आलू पर लड़ने वालों को एक पीएसएल स्क्रीनिंग पर देखा, मतलब कराची और लाहौर का मैच था। टीवी पर गौर किया तो देखा कि एक आदमी डिंग डोंग की ताकत से दूसरी टीम की बैंड बजा रहा था। मैं मैच देखने के लिए रुक गया, एंड आई डिड नॉट रिग्रेट इट अ सिंगल बिट। उस दिन मैंने दो चीजें सीखी, नंबर एक, डिंग डोंग का बहुत सीन है, नंबर दो, लोगों के साथ मैच देखने का भी बहुत सीन है। मैं सोचने लगा कि यही दोनों टीम्स के फैंस जब मिलकर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में सपोर्ट करेंगे तो इनके साथ मैच देखने का भी बहुत सीन होगा। एक साल का सब्र किया और फिर आया 2021 का वर्ल्ड कप, फिर से वही सब देखने को मिला, स्क्रीनिंग्स का रिवाज, जज्बाती फैंस, ऊपर से टीम की परफॉर्मेंस, मैं तो चांद पर था भाई। ऐसे में मैंने सोचा कि अगर सेमीफाइनल को भी व्लॉग ना किया जाए तो थोड़ी ज्यादती की बात होगी। सो हियर इट इज, ये मैं हूँ, मैं मतलब हारिस, हारिस मतलब। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग की इतला के लिए मैं बता दूं कि अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ और सुबह बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो आप लोग की बहुत बड़ी भूल है। झूठ बोल रहा है, सो रहा था ये। सेज द गाय जो बिस्तर में लेटा हुआ है। मैं पूरी रात नहीं सोया, और मेरी पूरी रात ना सोने की वजह ये है कि आज सुबह मेरा मिड टर्म का एग्ज़ाम है, तो मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ। मुझे पता है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे सब कुछ भूल जाना। क्या कह रहे? मैं कह रहा हूँ कर क्यों रहा है अगर कोई फायदा नहीं है, यह तो मुझे खुद भी नहीं पता। खैर, पढ़ाई तो चलती रही, बुक, नोट्स, पास पेपर्स, स्लाइड्स, जब सब हो गया तो फिर नींद की बारी आई। अस्सलामुअलैकुम, आज मेरा एग्ज़ाम है, 11 बजे मेरा एग्ज़ाम शुरू होना था और अभी 11:03 हो रहे हैं, मैं काफ़ी लेट हूँ। बड़ी ही मुश्किल से होश संभाला और एग्ज़ाम देकर आ गया। कैसा गया मेरा पेपर आज? अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज गुड। तो मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, मेरी जो हालत अभी बनी हुई है आप उसको इग्नोर करें, क्योंकि मैं मुँह धोए बगैर सीधा एग्ज़ाम देने चला गया था। एग्ज़ाम के एग्जैक्ट टाइम पे मैं उठा, मैं तो खुश था ये लेट हो गया, इसका अच्छा एग्ज़ाम नहीं आएगा, मेरे नीचे आएगा। बड़ी चेने शेने, क्या दिस इज, दिस इज अ गिफ्ट, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम समवन। तो मुझे रास्ते में अब्दुल्ला निसार साहब मिले हैं, तो इनसे हम आज पूछते हैं कि पाकिस्तान के मैच में आज क्या होने वाला है। यार, नॉट गोना लाई, आज थोड़ी सी फट रही है। साहब ने बताया, आप ज्यादा देर अच्छे दिन चल रहे हो ना, तो फिर बुरा दिन आना होता है। इसके बाद मैं अपने दोस्त कुमेल के साथ सुपर स्टोर चला गया। आप क्या करने आए? हम 5 केले लेने हैं। किसके लिए? फरहान उल अजीज। फरहान को रेट कर आउट ऑफ 10 एज अ रूममेट। यार, फिजिकल अपीयरेंस या वैसे अंदर से? मैंने एज अ रूममेट गए। अच्छा, रूममेट? हाँ, ये बहुत अच्छा बंदा है। इससे बेहतर रूममेट मुझे कभी नहीं मिला जिंदगी में। अभी इसी रास्ते पर मैं 20 मिनट पहले जा रहा था, और बहुत टेंशन थी मुझे क्योंकि मैं लेट हो गया था, लेकिन अपेरेंटली मैंने बाकी सबसे पहले अपना
फेवर खत्म कर लिया। वैसे धूप काफ़ी प्यारी लग रही है आज। आज पाकिस्तान के जीतने का दिन है, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी से बता रहा हूँ, मौसम बता रहा है। अता की हालत देखकर तरस आ रहा था तो सोचा क्यों ना किसी और को तंग किया जाए। दरहेन तो उठा नहीं, ना बैक टू अता। सुबह बखैर मिस्टर अताउल हसन, उठ जाएं आप। नहीं, 12 बज गए हैं, तेरी गेम थ्योरी क्लास है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ बस लॉगिन करके सो जाऊं। ज्यादा ज्यादा आता है फिनोमिनेट। आता है फिनोमिनेट, आता है क्या चीज जाने। ओए इट्स अ फिनोमिनेट चढ़िया। पाकिस्तान जीतेगा आज या नहीं? अबे पहले मैं ये क्विज जीत जाऊं, फिर प्रेडिक्ट करना पाकिस्तान जीतेगा नहीं। यार वो 100% जीत जाएगा। 100% नहीं, कसम अगर हार है ना तो। अभी मुझे अपना थोड़ा हुलिया सवारना, ताउल हसन, यू वीडियो ऑन है, वेरी पॉपुलर। शेरव खान की क्लास चल रही है। जब अता से दिल भर गया तो मैंने STSB का रुख किया, जहां हिशाम मेरा इंतजार कर रहा था। आज क्या है? आज भाई, आज खुशी का दिन है। जश्न का, आज जश्न का दिन है। सईद अजमल का बदला लिया। सईद अजमल वहाब रियाज, तूने देखे थे वो जब वैसे सईद अजमल रोया था? यार वो उससे मैं रोया था तो मैं वो नहीं देखता था कौन वैसे, उससे मैं रो रहा था। वो वक्त है वैसे दिन का जिसमें मैं और हिशाम खाना खाने चलते हैं। बिल्कुल यार, बेस्ट पार्ट ऑफ माय डे, आई गेट टाइम टू स्पेंड विद आर एसएस। यार इसके वैसे बाइसेप्स बहुत बड़े बड़े हैं। एक तो चलता भी कैसे, इतना भरम के अंदर चलता है ना, इस तरह से बाप की दौड़ दे रहे हैं ना वैसे है बाप के। मैच देखेंगे आप लोग? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या जिंदाबाद? क्या पाकिस्तान? मोहतरम जो हमारे सामने बैठे हैं, इनका नाम है मोहम्मद अफान अशरफ। आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से जीत सकेगा या नहीं? इजी विन। हाँ, सोच अगर हार जाए कितना वैसे सैड माहौल होगा यार। मैं रो जाऊंगा, कसम से रो जाऊंगा, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, मैं रो जाऊंगा यार। 4 बजे हमारा क्विज है, ये अभी तक ढूंढ रहा है खाना। खाना खाकर मैंने खोखे पर हाजिरी दी, जहाँ मुझे शांजे मिली। और सोच पाकिस्तान हार रहा है, लेंगे बदला आज, पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम रोएगी। Just about to sleep. पराठे खाने हैं योगर्ट के साथ या नहीं? नहीं नहीं, आज क्यों? मुझे चाय पीनी है। चाय पीनी है। तस्वीर खुला दिलोगा मत। ये कैमरा बंदा तेरा तोड़ दे। ये मुझे बता ना, आज पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच है, कौन जीतेगा? पाकिस्तान जो है ना, मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया से हार ना जाए, लेकिन बस पाकिस्तान जीतेगा, मैं सपोर्ट करता हूं। बाबर आजम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? यार देख, एक होती है कवर ड्राइव, सही है, बस मुझे उसका ही पता है, वो करी। मैच का टाइम करीब आ गया था तो हमने सोचा स्क्रीनिंग पर चलते हैं। वैसे तो लोग मैच से पहले जीतने की दुआ करते हैं, मैंने उल्टा लोगों से बददुआओं की दरख्वास्त की, मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया के बददुआ यार, आप लोग जो है ना, अल्लाह करे आप लोग की ना दाल में पत्थर है। यार उनके बैट में ना थेड़े पड़ रहे हैं। I hope उनके प्लेयर्स को पिच पे डायरिया हो जाए। अल्लाह करे उनके हाथ से हर कैच छूटे, हर बॉल उनकी बैठ जाए। उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के कभी बच्चे ना हो। यार मुझे बस इस चीज से फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान जीत जाए और कुछ नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान
कमाल आज पाकिस्तान जीतेगा लिखवा ले। बॉयज आज बहुत मुश्किल लग रहा है जीतना। तैरानों के साथ मैच का आगाज हुआ। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया। बाबर और रिजवान की जोड़ी ने बॉलर्स की खूब पिटाई की। तुम्हें लगता है आज बाबर सेंचुरी करेगा? मुझे लगता है सेंचुरी से ज्यादा हो जाएगा। और फिर ये हुआ। बाबर आजम आउट हो चुके हैं। वी हैव लॉस्ट ऑल होप। अब पाकिस्तान के बस अल्लाह ही बचा सकता है। रिजवान ने धुलाई जारी रखी लेकिन फिर रिजवान आउट हो गया। सब बहुत मायूस हो गए हैं अब। लेकिन सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि अभी आसिफ अली आने और छक्कों की भरमार होने वाली है इंशाल्लाह। मगर किस्मत ने आसिफ का साथ नहीं दिया। मेरे बाल को कौन छक्का मारता है? भाई चक्कर नहीं होती है क्या हो रहा है? ऐसे में फखर जमान स्टेप अप और बाकी आप खुद ही देखें। इतना मजा आया। ठीक है 175 मारे। मैं बचपन में चित्र पढ़ते थे ना, उस तरह 75 मारे। शाहीन पांच शाहीन भाई फुल 50। इनिंग्स ब्रेक में मैं खोखे पर इंतजार कर ही रहा था कि करीब से शोर की आवाज। पहुंचा तो पता चला कि शाहीन वाकई बाज नहीं आता। भाग दे। हाँ चलो। पता थी साइड से एक बंदे ने कहा ऐसे भागने जैसे इनको जगह मिल जाएगी। ऐसे हम लोग भाग के यहाँ पे पहुंचे हैं और हमारी हालत हो गई है। तेरा सर ये इमारत के हेयर स्टाइल कैसे लगता तुझे? ऐसे लगता है जैसे जल का डब्बा गलती से सर पे गिर गया। अभी हम अपनी जगह पर बैठे ही थे कि शादाब ने ये कर दिया। अभी पाकिस्तान जीत जाएगा, सिर्फ मैक्सवेल को आउट करना रहता है, बस जीत गया। और फिर वो भी हो गया। फिर से बोला फिर से बोला समझ नहीं आ रही इसका मतलब होता है कि बॉल फेंको। जज्बे तो बुलंद थे, अलबत्ता मैच थोड़ा हमारे हाथों से फिसलता हुआ नजर आ रहा था। 27 और 14 है, सबकी चार हुई भी है भाई, दुआएं शुरू हो गई। हमें एक विकेट चाहिए थी मैच में वापस आने के लिए और फिर हसन अली ने ये कैच ड्रॉप। यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब हमारी आंखों के सामने हो गया। और ऐसे ही हम मैच हार गए। लेकिन कुछ लोग तो भाई सदमे में ही चले गए। लेकिन जनरल माहौल काफी सैड है, दुनिया खुश नहीं है। बड़े हसन अली ने पैसे खाए, याद रख लो। ना छोड़ा उस बंदे ने, ठीक है वो अच्छा पेंडेंट पहनते हैं, इसका मतलब क्या छोड़ो। कौन क्या हो गया इतना मायूस है? कसम से रोज मैं मजाक भी नहीं कर रहा मैं यार, मैं बड़ी सैड हूं। कितनी गालियां दी हसन अली को? कसम बहुत दी है, बहुत दी। नहीं मैंने वोकैबुलरी जिंदगी में फैसलाबाद में जिंदगी में सीखी है ना, सारी हसन अली। मैं कहता हूं इनोवेशन चल रही है यार, क्योंकि सबको बहुत भूख लगी हुई।
तेरी गाड़ी रिजी करे पेंच When I give you empty promises Like I know I'm gonna break your heart Yeah, I'm so वैसे तो हम खाना खाने आए थे लेकिन इस वक्त तक टीम की हार सबको हजम हो गई थी तो मैंने बॉयज से कहा कि प्लेयर्स के लिए कुछ बोलें आई लव यू गाइस आई लव ऑल ऑफ यू मैन दे डिड अस प्राउड टुडे आई गेस आई लव देम क्योंकि इस बार वाकई में मेहनत करके खेला बॉयज ने तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है यार रियली प्राउड ऑफ यू गाइस ओ बाबर आजम यार बाबर आजम से बाबर आजम मेरा प्यार है यार बाबर आजम ये देखो बाबर आजम ने क्या उसको यूफोन का मैसेज आ गया नहीं नहीं ये देखो मेरी प्रोफाइल पिक्चर आपके साथ है आई लव द टीम लेकिन दुख बड़ा हुआ यार बोलते गए To my friends, I don't know आने वाले सालों में हमें ज़िंदगी कहाँ ले जाएगी, but these are memories that I'll cherish forever. There is nothing like watching a game of cricket with you guys. To the team, World Cup तो हम नहीं जीत सके, लेकिन ये कहना गलत ना होगा कि इस पूरे experience ने मुझे 10 साल हारिस के साथ फिर से मिलने का मौका दिया. पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बहुत शुक्रिया. You're the best. अगर आप लोग को ब्लॉग पसंद आए तो फिर एक साल को और सब्र कीजिए तो उसके बाद ही अगला ब्लॉग आएगा मैं तो साल में एक ही ब्लॉग निकालता हूँ आज है 11 नवंबर ठीक है मैं इस दिन कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अगले साल वर्ल्ड कप जीतेगा इंशाल्लाह रोते हुए कह रहा हूँ भाई साहब